हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा स्टेटिस्टिक्स का चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2, लीनियर कोरिलेशन। हम अभी फर्स्ट चैप्टर स्किप करेंगे, डायरेक्ट हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है लीनियर कोरिलेशन। फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत ही इजी है, एग्ज़ाम में आराम से आपको फुल मार्क्स कवर अप हो सकते हैं। पहले तो हम बात करते हैं, इस चैप्टर में से आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में टोटल 12 मार्क्स का एग्ज़ाम में आएगा। वो 12 मार्क्स में से एक सेक्शन ए में MCQ, सेक्शन बी में एक शॉर्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी में 2 मार्क का एक क्वेश्चन, सेक्शन डी में एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन एंड सेक्शन एफ में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, कुल मिला के टोटल 12 मार्क्स को आपके एग्ज़ाम में आएगा। चैप्टर का नाम फिर से एक बार बोलता हूँ, लीनियर कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, उसके टाइप्स कितने हैं, उसके स्टडी करने के कितने मेथड है, वो हम बाद में थियरी पॉइंट में कवर अप करेंगे। डायरेक्ट हम चलते हैं को सम्स कैसे सॉल्व करते हैं। सम्स सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड हैं, द मेथड्स ऑफ स्कैटर डायग्राम, दैट इज देर आर 3 मेथड्स फॉर स्टडिंग अबाउट कोरिलेशन एंड कोएफिशिएंट। मेथड नंबर 1, स्कैटर डायग्राम मेथड। सेकंड, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। एंड थर्ड, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट मेथड है, दैट इज स्कैटर डायग्राम मेथड, नाउ वी आर उसको हम स्किप करते हैं डायरेक्ट, बिकॉज वो मेथड में क्या होता है कि आपको ग्राफ क्रिएट करना होता है और ग्राफ के ऊपर से आपको उसका आंसर देना होता है। सो अभी हम वो मेथड हम स्किप करते हैं, डायरेक्ट हम डिस्कशन करते हैं मेथड नंबर 2, दैट इज़ कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड की। ये मेथड में जनरली जो बड़े सम्स है वो सॉल्व करने के लिए टोटल 3 फार्मूला है। वो 3 फार्मूला में से कौन से फार्मूला कब यूज़ करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर एक्स बार एंड वाई बार जो आपको क्वेश्चन में दिया, अगर 2 वेरिएबल दिया होगा, हम फर्स्ट वेरिएबल को अज्यूम करेंगे एक्स एंड सेकंड को अज्यूम करेंगे वाई। सो एक्स एंड वाई जो 2 वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल के ऊपर से आपको फर्स्ट मीन ऑफ एक्स, दैट इज एक्स बार, एंड मीन ऑफ वाई, दैट इज वाई बार, ये दोनों मीन फाइंड करना है। जब मीन का आंसर मिलेगा, मीन के आंसर के ऊपर डिपेंड रहेगा कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट मीन ऑफ एक्स बार, दैट इज सिग्मा एक्स अपॉन एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड मीन ऑफ वाई, दैट इज वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। ये दोनों का आंसर अगर फ्रैक्शन में आया, आई रिपीट, अगर फ्रैक्शन में आया तो दूसरा फॉर्मूला यूज होगा, एंड अगर कोई इंटीजर्स नंबर आया तो दूसरा फॉर्मूला यूज होगा। सो फ्रेंड्स, ध्यान रखो, यहाँ पे एक्स बार एंड वाई बार, ये दोनों का जो आंसर आएगा उसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा वो डिपेंड होगा। सो उसके लिए हम देखेंगे उस हमारा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।